दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको कृष्णा गोदावरी नदी के बारे में बताया था कि वहाँ पर से भारत ने पहली बार ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और आने वाले समय में सिर्फ कृष्णा गोदावरी बेसिन से 45,000 बैरल ऑयल पर डे निकाला जा सकता है। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है ONGC की तरफ से कि ONGC को अंडमान निकोबार में 4 और नए तेल के कुएं मिल चुके हैं। इस ऑयल के बारे में 2021 में ही पता चल गया था कि यहाँ पर 17 बिलियन टन ऑयल के भंडार मिल चुके हैं और बताया जा रहा था कि ये ऑयल इतना है कि आने वाले 70 साल तक अपने प्यारे भारत को क्रूड ऑयल के लिए किसी और देश पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम ये अंदाजा लगाया गया था कि 24 के अंत तक यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन भारत की जो ONGC कंपनी है, ये बैक टू बैक नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाते जा रही है और बताया जा रहा है कि कुछ महीने बाद ही अंडमान निकोबार में जो ऑयल मिला है वहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में समझते हैं क्या है नया रिपोर्ट, क्या अब हमें और देशों पर क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट नहीं रहना पड़ेगा, क्या अपने प्यारे भारत के पास खुद का इतना ऑयल है कि हमें दूसरे देशों से क्रूड ऑयल नहीं लेना पड़े, तो क्या है पूरी अपडेट, चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, अपने भारत का जो KG बेसिन है यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पर प्रतिदिन 8 से 9 हजार बैरल पर डे क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, आने वाले टाइम में यहाँ पर से पर डे 45,000 बैरल क्रूड ऑयल को निकाला जाएगा। अभी तो सिर्फ ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ही हम लोग 8 से 9 हजार बैरल पर डे क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं। इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आती है कि ONGC को महानदी बेसिन में एक नेचुरल गैस का खजाना भी मिल चुका है। इस पर मैंने अलग से वीडियो नहीं लाया था, बट ये क्लियर हो चुका है कि महानदी में और एक नेचुरल गैस का रिसोर्स मिला है और बताया जा रहा है कि इस बेसिन से 3 लाख क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस पर डे निकाला जा सकता है। यानी कि हम जो कतर पर डिपेंड है गैस के लिए, वो भी अब कम हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भारत को पहले नेचुरल गैस नहीं मिला है, इसके पहले भी हमारी ONGC नेचुरल गैस पर काम कर रही थी जो कि अंडमान में है। और इस चीज को लेकर के जितना भी रिसर्च किया जाना था वो साल 2021 में ही कम्प्लीट हो चुका था। और जब पूरा रिपोर्ट जारी हुआ तब ये पता चलता है कि अंडमान निकोबार में 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में हाइड्रोकार्बन मौजूद है। इसमें से 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐसा है जो कि शैलो वाटर एरिया है, यानी कि नजदीक है। इसके अलावा 2,07,000 किलोमीटर का डीप वाटर एरिया है और यहाँ से भी हाइड्रोकार्बन को निकाला जा सकता है। ओवरऑल देखा गया कि यहाँ पर से टोटल 120 बिलियन बैरल कच्चा ऑयल निकाला जा सकता है। 120 बिलियन यानी कि 120 अरब की बात हो रही है। दिस इज द ह्यूज अमाउंट। अभी अपने भारत में क्रूड ऑयल की जो कंजप्शन है वो 4 से 4.5 मिलियन बैरल पर ईयर की है और हमें जो क्रूड ऑयल मिला है 120 बिलियन नॉट मिलियन। इतने क्रूड ऑयल से भारत 70 सालों तक किसी और देश पर डिपेंड नहीं होगा क्रूड ऑयल के लिए। यानी कि अरब कंट्री समेत रशिया से भी अगर ऑयल नहीं आए तो भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी भारत हर देश से ऑयल ले रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जो अपना स्टोरेज है वो तो अपना है ही, उसका यूज हम कभी भी कर सकते हैं। अगर अभी हम अपना खजाना सारा निकाल लेंगे तो हमारी धरती भी खोखली हो जाएगी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास कैपेसिटी है तो हम दूसरे देशों से मंगा रहे हैं और चूंकि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का यूज नहीं होगा तो हमें अपने क्रूड ऑयल को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आज से 20 साल बाद क्रूड ऑयल का यूज करना ही ना पड़े क्योंकि पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है, तो ऐसे में हमारा जो स्टोरेज है वो बचा का बचा रह जाएगा। खैर, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। अभी की बड़ी खबर यही है कि भारत को अब इतना क्रूड ऑयल मिल चुका है कि हम 70 सालों तक दूसरे देश पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और यही कारण है कि मैंने अभी कुछ दिन पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कि भारत ने अपने $50 बिलियन का क्रूड ऑयल कैंसिल कर दिया है जिसे हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल के रूप में स्टोर कर सकते थे। अगर अंडमान निकोबार के साथ साथ भारत के अगर KG बेसिन को भी मिला दिया जाए तो लगभग हमारे पास 80 साल का क्रूड ऑयल स्टोर है। और इसी बीच ONGC की तरफ से एक बड़ी खबर ये आई कि जल्द ही ONGC अंडमान निकोबार में ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। बताया जा रहा है कि 3 फेज के जरिए यहाँ पर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा जिसके लिए बड़े बड़े मशीनों की जरूरत पड़ेगी और इन सारी टेक्नोलॉजी के लिए ONGC ने पहले से ही कई फॉरेन कंट्री के साथ डील कर लिया है। कुछ ही ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो हमें विदेशों से मंगाना पड़ेगा, बाकी ONGC अपने पैरों पर खड़ी है। तो आपको क्या लगता है गाइस, भारत में जहाँ जहाँ क्रूड ऑयल मिला है अगर वहाँ से क्रूड ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया तो क्या हमें दूसरे देशों से क्रूड ऑयल नहीं मंगाना पड़ेगा? और अगर ऐसा होता है तो हमारा कितना सारा फॉरेन रिजर्व बचेगा, क्योंकि हर साल भारत कई बिलियन डॉलर सिर्फ क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करने में खर्च कर देता है। अगर भारत में क्रूड ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम कई बिलियन डॉलर बचा सकते हैं हर साल, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व और अधिक मजबूत हो जाएगा और जितना भी हमारा कर्ज है वो सब खत्म हो जाएगा। आई होप गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूले। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।